शहीद गांव रोनहाथ महान की 1857 की क्रांति में शहीद स्वामी वीरदास बिरागी रूपाखाती नंदा जाट स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद के फौज के प्रहलाद गेल धर्मचंद नानूराम 1965 के युद्ध में नायक सूबेदार लज्जे राम दूरा ये थी इस गांव। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे किसान नेता, मेरी माता शक्ति में राम राम। भाषणबाजी तो देखो भाई, तीन बार रैली आ रहा है, भाषणबाजी तो बतेरी होली। हम दोनों को कमेटी तरफ कड़ा फैसला ले लो, क्योंकि इमला सरकार का कोई झूठ को नहीं देख रही। अब एक कुंड में बैठे हाँ, ना कि मैं फर्क पड़ गया, अन्नी भी इतनी हो छुटवाया गया। देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय भी गाँव उनसे मिला था, लेकिन बाद में फिर युद्ध की स्थिति बन गई और वो बातचीत कोई आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद 23 मार्च 2018 को इस गांव में मुख्यमंत्री खट्टर आए। इस गांव ने आजादी के बाद 2018 तक कभी तिरंगा नहीं फहराया, क्योंकि गांव को ना तो उन 57 प्लाटों का हक मिला। एक प्लाट में मेरे हिसाब से 12-13 एकड़ जमीन थी, 12-13 एकड़ जमीन एक प्लाट में, 12.5 एकड़। और ना जो है मुख्यमंत्री कह करके गए कि आज ये गांव आजाद हो गया, आज यहाँ तिरंगा फहरा दिया, गांव को विशेष सुविधा देंगे, 57 प्लाटों पे हक देंगे और गांव को शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। तब जा करके एक लंबा समय बीतने के बाद गांव ने 10 अगस्त से धरना शुरू किया और 17 अगस्त को हमारे जो धानक समाज से आते हैं, जो इस आंदोलन के एक मजबूत सिपाही हो चुका है, मेरी सबको प्रार्थना है कि पंचायत भी चलती रहेगी और बोलने वाले वक्ता भी अपने विचार रखते रहेंगे, क्योंकि हरियाणा के भी 15 से ज्यादा जिलों के साथी यहाँ पहुंच रहे, सिरसा के रानिया तक यहाँ आ रहे हैं आपका साथ देने के लिए। लेकिन हमें फैसला लेना पड़ेगा, कमेटी बैठे अगले लिए साथ दोगे कि नहीं दोगे, सारे तैयार हो तो भाई एक बार फिर ये बात करें, सरकार और प्रशासन किसी बैन में ना रहे। तो कभी आप हारे हो और ना आज हारोगे, हम कल भी जीते थे आज भी जीतेंगे, और वो कल भी हारे थे आज भी हारेंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सत्य की और न्याय की है। इस गांव के शहीदों को भी आजादी। यह पिछले 5-6 दिन से रख के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई डीसी लेवल का अधिकारी भी यहाँ बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा, इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को रखे में ले रहा है प्रशासन, नहीं तो 2 घंटे के अंदर अंदर डीसी एसपी सब क्यों बसता है। अगर दूसरा रास्ता ये है, उस दिन भी हमने कहा था, आपने कहा था कि भाई 24 घंटे का टाइम दे, वहाँ 24 घंटे भी पूरे हो गए। साथियों, मैं मेरी अंतिम बात बताते हुए आपको मेरी बात को खत्म करता हूं। एक छोटी ही हरियाणा में मिसाल है, पुराने टेमा की बात है, कुएं का धोरा एक सांप रहा करता, जैसे आपका कुआ है, सारा गांव डरने लग गया, उसते पानी भरना छूट गया, कोई संत महात्मा आवो था उसते जाके नगरी में आ गया, सारा गांव महात्मा के पास गया, भलिया भाई बताओ क्या समस्या है, भलिया जी नुनू इस कुएं के धोरे एक सांप रहा हुआ है, सारा गांव ने पानी नहीं भर देता, मारा तो कुकरे करके इस तो पांडा छुटवा दो। वो संत महात्मा आया सांप के पास में और उसकी कह गया, आशीर्वाद दे गया, वरदान दे गया, उससे अनुरोध कर गया, अग भाई गांव ने सेदना बंद कर दे, ये पानी आ रहा था, पीने का पानी ले जाए। थोड़े दिन के बाद गांव वाले के भी तसल्ली होगी, अग सांप काटे कोनी, एक एक दो दो लीटर आदमी ने पानी भरना शुरू किया, देखम देख सारे पानी भर लगे, फिर गांव के बच्चे बच्चे ने पता चल गया भाई वो सांप काटता कोनी, बाल कुछ कर डरे लगे मान, फिर उसने लिकड़ियां के लगे छेड़न, कहने का मतलब के है कि सांप लव लवान बना द।
दिया, फिर उसी महात्मा का वहां से आना हुआ, उसने उस सांप की हालत को देखा, भाई लहू लुहान हो रहा है, उसने उसको कहा अरे नाग देवता ये कैसे हो गया, वो बोला जी आप पे तो कह दी गए थे अकिन को काटना नहीं। वो महात्मा जी ने बोला वह बात सुन ले, मैंने सिर्फ ये कहा था भाई काटिए ना, हुकारे मन तो मैं को नटिया था, हुकारे तो मारे सके है, आप लड़ाई चाहे ना लड़ो सरकार के साथ, मैं नहीं कहता कोई टकराव की कॉल करे, लेकिन आंदोलन का रास्ता होता फुकारे जरूर मारने पड़ेंगे। एक तो हुआ यहाँ कोई सिंपल धरना नहीं चल रहा, यहाँ कोई ना कोई मेरा अनुरोध है कमेटी से कोई ना कोई फैसला ले और यहाँ डीसी को अल्टीमेट दे, अगर डीसी नहीं आए तो पहले तो डीसी के मारने का पास जाओ, डीसी की पहली जिम्मेदारी बनती है उसके इलाके में ऐसी घटना हो रही है रो नहीं आ रही, तो इस पर जल्दी फैसला लेके दोस्तों ये दिखाई हमने रोहान गांव की रूपरेखा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं उनके साथ ऋषि पाल जाएगी।